हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत क्या होता है, सर्वत्रिक सिद्धांत क्या होता है गुरुत्वाकर्षण का, तो एक बार मैं वो बता देता हूँ। हमने कल एक फॉर्मूला डिराइव किया था जो कि था एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन में डी स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया। अब फोर्स की हमेशा यूनिट क्या होती है, न्यूटन, तो आप यहाँ पर उसकी इकाई लिख दो, क्या होती है न्यूटन। मैं इसी फॉर्मूले से ग्रेविटी की वैल्यू निकालने वाला हूं। अब देखो जी एम एम अपॉन में डी स्क्वायर है, मैं मुझे जी चाहिए, बाकी सब मैं इधर भेज देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने डी स्क्वायर जो कि डिवाइड में था उसको मैंने इधर भेजा, तो वो क्या हो जाएगा एफ मल्टीप्लाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम और स्मॉल एम। मुझे g की वैल्यू निकालना है तो m और स्मॉल m में इसके नीचे भेज देता हूं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे, तो कैपिटल g इज इक्वल टू हो जाएगा f मल्टीप्लाई डी स्क्वायर अपॉन में कैपिटल m अपॉन सॉरी मल्टीप्लाई स्मॉल m, कुछ इस तरीके से। देखो फोर्स का फॉर्मूला था जी एम एम अपॉन में डी स्क्वायर, उसी तरीके से ग्रेविटी का फॉर्मूला हो गया या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हो गया एफ मल्टीप्लाई डी स्क्वायर अपॉन में कैपिटल एम इनटू स्मॉल एम, ठीक है। ये एक फॉर्मूला आपने डिराइव किया, दोनों फॉर्मूले आपको नोट करने हैं, ठीक है, दोनों फॉर्मूले आपको यहाँ पर क्या करने हैं, नोट करने हैं, क्योंकि हम न्यूमेरिकल्स में भी इनका यूज करने वाले हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, तो इन दोनों फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। आज हम एक न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं 10.1, ठीक है, न्यूमेरिकल इसमें हम आज कंप्लीट कर लेंगे, ये वाला जो ग्रेविटी का न्यूमेरिकल दिया हुआ है। इसके बाद कल हम पढ़ेंगे फ्री फॉल, ठीक है, तो ग्रेविटी का न्यूमेरिकल देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 10.1 न्यूमेरिकल सब अपनी बुक में निकालेंगे, मैं उसको बताता हूँ किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पेज नंबर दिया हुआ है यहाँ पर, हाँ पेज नंबर दिया हुआ है 134, और वही हिंदी मीडियम में जो है उनके लिए पेज नंबर 149। मैं पहले इंग्लिश में पढ़ता हूँ। द मास ऑफ द अर्थ इज 6×10^24 kg, ठीक है, जो हमारा द्रव्यमान दिया हुआ है पृथ्वी का वो कितना दिया है 6×10^24 kg दिया हुआ है, एंड दैट ऑफ द मून इज 7.4×10^22 kg, और जो चंद्रमा है उसका द्रव्यमान दिया हुआ है यहाँ पर 7.4×10^22 kg। If the distance between the Earth and the Moon is 3.84×10^5 km, उन्होंने बोला कि अगर वहाँ पर जो distance है, वो distance इसमें है, sorry, वो distance जो Moon और Earth के बीच की इतनी है, 3.84×10^5 km है, तो calculate the force exerted by the Earth on the Moon। तो वहाँ पर हमें calculate करना है force exerted by Earth, Earth से क्या force लगाया जा रहा है Moon पर। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल जी की वैल्यू भी दी हुई है 6.7×10^-11। देखो सबसे पहले हिंदी वाले हिंदी मीडियम वालों का भी एक बार मैं पढ़ देता हूँ। पृथ्वी का द्रव्यमान 6.10×24 kg है, चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4×10^22 kg है। यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी ये है तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिकलन कीजिए। हमें जो वैल्यूज दी हुई है सबसे पहले मैं वो लिख लेता हूँ। देखो सबसे पहले जो वैल्यूज दी हुई है, तो वैल्यूज हम वैल्यूज पर ध्यान देते हैं, तो यहाँ पर दी क्या हुई है वैल्यूज, हमें फोर्स की वैल्यू निकालनी है, तो फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कैपिटल एम, कैपिटल एम, मतलब कैपिटल एम को मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पर देखो मास ऑफ अर्थ, ठीक है, या फिर मैं लिख देता हूं पृथ्वी पृथ्वी का द्रव्यमान, ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होगा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे हम उसको, और वो होगा क्या, तो वहां पर दिया हुआ है 6×10^24 kg,
ठीक है, ये हो गया हमारा पृथ्वी का द्रव्यमान। अब आगे देखते हैं तो क्या दिया हुआ है, चंद्रमा का द्रव्यमान, चंद्रमा का द्रव्यमान लिख लेते हैं क्या है ये 6.6 × 10⁴ kg। आगे चंद्रमा का तो मास ऑफ मून कितना दिया हुआ है, स्मॉल m इज इक्वल टू 7. दिया हुआ है 7.4 × 10⁰ kg। यहां पर लिख लेना चंद्रमा का द्रव्यमान कितना हो गया, यहां पर हमने लिख दिया 7.4 × 10⁰ kg। दोनों के बीच की दूरी इसने कितने दी है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं डिस्टेंस, जिसे हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं डी से, यहां पर मैं लिख देता हूं दूरी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से, वो कितनी दी है, तो दूरी हम देख लेते हैं एक बार। दूरी दी हुई है 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। तो यहां पर मैंने लिखा 3.84 × 10⁵ किलोमीटर, 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। इसको हमें किलोमीटर में, तो आपको पता ही है कितनी बड़ी यूनिट हम यूज नहीं करते, हम इसमें चेंज करेंगे इसको मीटर में। मीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसका, 1000 का, क्योंकि एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो मैं इसको लिखूंगा और या फिर इज इक्वल टू 3.84 × 10⁵ × 10³, 1000 को हम कह सकते हैं 10³, और आगे लिख दूंगा मीटर, इसको भी एज इट इज 84 × 10⁵ × 10³ मीटर। क्लियर आया समझ में आपको, सिंपली मैंने क्या किया 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, और 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 10³ लिख सकते हैं। अब ग्रेविटी की जी की वैल्यू उसने क्या दी हुई है, कैपिटल जी की, कैपिटल जी इज इक्वल टू उसने दिया है 6.7 × 10⁻¹¹। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 6.7 × 10⁻¹¹ न्यूटन मीटर केजी, ठीक है। तो यहां पर इसकी यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी स्क्वायर। कौन कौन सी वैल्यूज हमें यूज करनी है मैं लिख देता हूं, एक बार मार्क कर देता हूं उसको, आपको ये बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी बता रहा हूं। सेकेंड, तीसरी और ये चौथी, हमें पता है ये सब तो गिवन दैट हो गया, ये सब दिया हुआ है, हमें क्या पता है, वी नो दैट, क्या पता है हमें कि फोर्स इज इक्वल टू होता है जी एम स्मॉल एम अपॉन में डी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां पर हमें बल निकालना था इसलिए मैंने फोर्स का फॉर्मूला लगाया, अगर आपको ग्रेविटी निकालने रहेगी तो आप ग्रेविटी का फॉर्मूला लगाओगे, जी की वैल्यू निकालने रहेगी तो जी का फॉर्मूला लगाओगे। हम वैल्यूज पुट करते हैं तो एम एज इट इज इक्वल टू जी की वैल्यू है 6.7 × 10⁻¹¹। कैपिटल एम, ये रहा कैपिटल एम की वैल्यू है मल्टीप्लाई 6 × 10⁴, उसके बाद स्मॉल एम ये रहा तो मल्टीप्लाई 7.4 × 10⁰², ठीक है। सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी अपॉन में डी की वैल्यू, तो यहां पर ये रहा डी 3.84 × 10⁵, देखो 10⁵5 × 10³ है तो दोनों की पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी, तो मैं डायरेक्टली इसको लिख देता हूं 10⁸, 5 + 3 कितना होता है 8 होता है, और इसका क्या हो जाएगा यहां पर 4² हो जाएगा। इस बार वापस लिख देता हूं 10⁸² आया समझ में। अब या तो मैं इसको 10⁸² लिखूं या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं यहां पर 3 × 8 इसको दो बार भी लिख सकता हूं 3.84 × 10⁸³ × 3.84 × 10⁹ लिख सकते हैं ऐसा, जरूर लिख सकते हैं। अब आगे हम क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए देखो यहां से पॉइंट हटाया हमने
यहां से एक पॉइंट हटाया हमने, तो नीचे क्या लग जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 10। आया समझ में? यहां से एक पॉइंट हटाया हमने तो ऊपर क्या लग जाएगा, यहां पर पॉइंट क्या कितनी डिजिट है, 2, तो 10 की पावर 2। क्लियर? आगे करते हैं, 9 = 2। सबसे पहले 67 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 74, तीनों को एक साथ लिख लिया, 10 की पावर को सबको मैं एक साथ लिख देता हूं, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 +24 +22 +2। ठीक है, जितने भी 10 थे उनकी पावर को मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और इसके अपॉन में क्या चल रहा है, 384 मल्टीप्लाई 384, यहां पर 2 3.84, तो यहां पर हमें 10 की पावर क्या करनी पड़ेगी, 4 करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 0 हटेंगे, तो यहां पर 2 की जगह क्या कर दोगे, 4। 3.84 384 384 हो गए मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 और ये 2, तो 8 + 8 + 1 + 1। आगे चलते हैं, तो 67 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 74 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 प्लस 22 कितना हो गया, 26 और 46 प्लस 4 50 में से 11 गए तो कितना बचा, 39, तो 10 की पावर 39 अपॉन में 384 मल्टीप्लाई 384 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 और 8 16 17 और 18, तो 10 की पावर 18। फिर आप क्या करोगे, 10 की पावर को ऊपर लेकर जाओगे, इस तरीके से इसको आप सॉल्व करना, इसके आगे आपको सॉल्व करना है, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर होमवर्क, इसके आगे आपको सॉल्व करना है, अगर नहीं आएगा तो मैं कल बताऊंगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने में हमारी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए अभी आप इसको सॉल्व करना घर पे, और अगर आंसर नहीं आता तो मैं इसको बताऊंगा ही सही कि किस तरीके से आंसर आएगा, कल हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।